तो गाइज आज फर्स्ट टाइम मूसा ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। मूसा कैसे लग रहा है सुबह उठ के? इमोशनल डैमेज। अब माशाल्लाह मूसा का आप देखें, पठानी पहना है मूसा ने, बहुत प्यारे लग रहे हैं। इनके पापा आ गए। हाँ जी, ईद मुबारक। आपको बहुत बहुत मुबारक। चले माशाल्लाह, जब सब नमाज पढ़ने जा रहे, इसे भी ले जाओ नमाज पढ़ने के लिए। अब ये लोग जाएंगे, फिर मैं सफाई वफाई कर लूंगी। चलो Thousand years later. So guys, मैं बना रही हूँ यहाँ पे दही भल्ले, और ये बन रही है आलू की सब्जी और छोले की, जो मैं हमेशा कचौरी के साथ बनाती हूँ। माशाल्लाह 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 तबारक अल्लाह, ईद मुबारक सबको। गाइस देखें, करके दिखा, सुबह के 8 बज रहे हैं और बेगम ने सब तैयारी कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह। रूम भी दिखा दो जरा मेरा, क्या कर। ये देखें तैयारी, देखें माशाल्लाह ईद की। और ये देखें रूम की तैयारी, देखें आज की डेकोरेशन कैसी करी है बेगम ने हमारी, एकदम बेहतरीन। हमारा हाथों सो रहा है लड्डू, ये देखें। ये कौन है? माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकुल्लाह। तो गाइस ये जो हम कल गए थे मेहंदी लगवाने वहाँ पर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नेक्सी में, तुम्हारा नथु से मैंने ना ये लाल चटनी और ग्रीन चटनी ले ली थी। मैंने क्या पूछ के देखती हूँ, दे देंगे उन भैया ने, दे दी। थैंक यू फॉर दैम। तो मैं उसको मैंने जल्दी जल्दी में ये तो रेडी कर दी है, बट अभी मेरे छोले रह चुके हैं, मैं बाद में करूँगी। हस्बैंड को लग रही है भूख, करते हैं नाश्ता। ये बनाती हूँ मैं हमेशा से बढ़िया से सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी होती है। और इधर आ गई है ये कचौरी, शो करो ज़रा, शो मी द कचौरा। ईद मुबारक। तो गाइस ये मैंने थाल सजाई है अपने ससुर के लिए, क्योंकि उन्हें लग रही है भूख, वो खाली सब्जी मांग रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैं सब चीज़ें ही लेकर आऊँगी आपके लिए, जो जो मैंने बनाई है। तो जल्दी से छोले छोक के अब मैं उनके लिए लेके जा रही हूँ, ईद मुबारक भी कह देती हूँ। चलो भाई चलो। देखो ये बोलते हुए जाने के बटन कितने चमक रहे हैं, दिखाइए जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत चमक रहे हैं। चले। सो गाइज मैं आपको अपना लुक दिखाना ही भूल गई थी, काम में इतनी मसरूफ़ हो गई थी, बिल्कुल टाइम नहीं, थकावट इतनी हो गई थी। तो मैंने थोड़ी बहुत रील्स के लिए ना वीडियो शूट करी थी। मैंने कहा चलो आपको इसी में अपना लुक दिखा देती हूँ, सिंपल से ये, कोई ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि ईद वाले दिन तो नहीं। जब हाँ मम्मी के जाती हूँ ना मैं, जब रेडी होती हूँ घर में, बस ऐसे ही रेडी हो जाती हूँ। तो इस तरीके से बैंगलोर मेहंदी काम की वजह से, बर्तन धोने की वजह से ज़्यादा कुछ रच नहीं पाई, लेकिन मुझे डिज़ाइन बहुत बहुत प्यारा लगा अपना। आप भी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। सो गाइज़ आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारा रूम, हम सब कैसे लगे। बाकी हम लोग आपको मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। और ये मेरी चूड़ियाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। ये मूसा है ना पीछे से अपना गेम खेल रहा है, जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही। हम रेडी हो चुके हैं, अभी उठी है और अभी ही तैयार हुई है। ड्रेस इन्हें पहननी थी ये वाली, लेकिन इन्होंने ये डिसाइड करी फ्रोजन वाली। दिखाओ आतु की सैंडल्स, देखो कितनी प्यारी। आतु अपनी फ्रॉक दिखाइए, फ्रोजन की इनकी ड्रेस है। और अपना पर्स का, वाओ आतु का हेयर भी माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। तो बहुत प्यारी लग रही हो आप, है ना। चलो ईद मुबारक बोल दो सबको। ईद मुबारक।
लाइक और सब्सक्राइब करने को कौन बोलेगा? लाइक और सब्सक्राइब। चलो बाय। ये ना हाथ में इसकी क्या है, क्या है दिखाओ। ये वहां पे जाके कर रहा है। ये क्या है? अच्छा दिखाओ अब। दिखाओ। ओ भाई ओ भाई ओ डिश क्या हो, ओ डिश। अभी मुबारक तो कर सकती हूँ। ईद मुबारक है। और कुछ कहना चाहेंगे अभी इस पे? कुछ नहीं कहना। हाँ तो आप बोलो ईद मुबारक। मैं नहीं बोल, ये तो नाराज है, नाराज जी जाएंगे। तो गाइस ईद 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 आ गई, चली भी गई ईद। रात के 9-10 बज रहे तकरीबन, और मेहंदी आप देख सकते हो ज़्यादा डार्क कलर नहीं आया जो आना चाहिए था, क्योंकि जब से लगी है बस पानी में हाथ है, खाना पका रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, सब सफाई वफाई बहुत बच्चों को मिला रहा, तो मेहंदी ज़्यादा मेहंदी रच ही नहीं पाती ईद के दौरान पर। तो बस अब थक हार चुके हैं बहुत, आँखों में भी देख सकते हो आप कितना स्ट्रेस हुआ हुआ है, और बहुत ज़्यादा थकावट हुई है। आप लोग को बताना लेकिन मेहंदी मेरी कैसी लगी। इस पर मैंने ये वाला डिज़ाइन लगवाया है, उसके हाथ तो फिर मेहंदी दिखाइए गाइस को। ये बस बच्चे ईदी करे जा रहे हैं, इन्हें क्या पता चले ईद पे पैसे मिलते हैं। इस बार तो मूसा ने भी हद कर दिया, अनीति कर दी अनीति। तो चले आज जो है हमने अपना ईद जो है घर में स्पेंड कर ली इंशाल्लाह, लेकिन कल कुछ इनोवेटिव करेंगे, या तो मम्मी वगैरह के जाएंगे या जो भी जहाँ पे भी लगेगा, घर घूमने भी जा सकते हैं, लेट्स सी क्या होता है। बहरहाल तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।